और अब देखिए मुंबई से स्पेशल इलेक्शन शो आपकी आवाज इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के साथ। पुर में जनता की आवाज बुलंद करने के बाद इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा वोटर की आवाज सुनने मुंबई पहुंचे। सबसे पहले रजत शर्मा मुंबई में सैकड़ों ऐतिहासिक पब्लिक मीटिंग्स का गवाह रहे और भारतीय क्रिकेट का पालना कहे जाने वाले शिवाजी पार्क पहुंचे। अचानक अपने बीच रजत शर्मा को पाकर शिवाजी पार्क में लोगों का उत्साह देखते ही बना। हर कोई रजत शर्मा के साथ सेल्फी खिंचवाने को बेताब नजर आया, चाहे वो वोटर हो या आने वाले दौर का क्रिकेटर। इसके बाद रजत शर्मा मुंबई की विख्यात माहिम दरगाह पहुंचे। दरगाह पर इबादत के साथ साथ वहां मौजूद लोगों से बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ा। लेकिन वोटिंग से पहले आम मुंबई कर के मन में कितने सवाल हैं, क्या सोचती है आमची मुंबई, इसका जवाब उस वक्त मिला जब एक साथ मुंबई के सैकड़ों लोग रजत शर्मा के साथ इंडिया टीवी के स्पेशल इलेक्शन शो आपकी आवाज का हिस्सा बने। नमस्कार, मुंबई शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके शहर में आज आया हूं आपकी आवाज सुनने के लिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवाज जनता की होती है। चुनाव का मौका है, पर्व है, आपकी राय अलग अलग विषयों पर क्या है इंडिया टीवी के जरिए हम देश भर में पहुंचाएंगे। आप अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, बेबाकी से कह सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आप जो राय रखें वो लोगों तक पहुंचे जो वोट देना चाहते हैं। और आपसे मेरी एक अपील है कि वोट देने जरूर जाएं, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हम सब एक होकर मिलकर के काम करें। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। चुनाव के मौके पर आज सबसे बड़ा सवाल जो महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर उठा वो ये कि क्या सुरक्षा को चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, क्या सुरक्षा के सवाल को हम राजनीति का मुद्दा बनाएं इसको, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा, खासतौर से उन्होंने नौजवानों से कहा, नए लोगों से कहा कि आप जो वोट दें इस वोट को अपनी तरफ से डेडिकेट करें आर्म्ड फोर्सेस को, डेडिकेट करें शहीदों को। यह बड़ा सवाल हमारे सामने है, इस पर आपकी राय क्या है, जो लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। सबसे पहले ये जो पुलवामा हल्ला हो गया, हल्ला के बाद में जो भी ये मोदी जी बोल रहे कि टेरर अटैक करके पाकिस्तान में जो टेरर अटैक करके 250 जो पाकिस्तान के सैनिक को मार गिराया है या 300-400 मतलब पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा है। या घुसकर मारा है, सही है सर। लेकिन मैं ये आपसे और सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ये जो राजनीति चल रही है ये प्रचार के दौरान, ये बहुत बुरी राजनीति है। जो अभी जो मोदी जी जो राजनीति ला रहे हैं बहुत बुरी है। सवाल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और लोग इस पर जो जवाब कहना चाहते हैं। जी हाँ जी, अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इससे युवाओं में राष्ट्र के प्रति एक भक्ति अवश्य होनी चाहिए। आपकी बिल्कुल अलग दूसरी राय है। बिल्कुल होनी चाहिए। राष्ट्र के प्रति अगर हमें कुछ करना है, एक प्लेटफार्म होता है जहां से हम अपनी आवाज पहुंचाते हैं जी। आपके माध्यम से पहुंचाते हैं या नेताओं के माध्यम से, क्योंकि हर जगह हम इकट्ठा नहीं हो सकते। तो राष्ट्र के प्रति बच्चों को एक अलग जोश देने के लिए अगर ऐसे मुद्दे आते हैं तो राष्ट्र के लिए उन्नति के लिए हो रहे हैं, राष्ट्र के लिए खड़े होने के लिए हो रहे हैं, राष्ट्र को तोड़ने के लिए नहीं हो रहे हैं, होना चाहिए जी। अच्छी बात कही आपने। आपने जो कहा है कि जवान शहीद हुए हैं उनके लिए मोदी सरकार को मत दीजिए, लेकिन मोदी सरकार को मुझे एक पूछना है, जब बुल्ढाना के एक शहीद जवान हुए थे उनसे मिलने के लिए मोदी सरकार नहीं गए, उनके नजदीक के गांव में ही एक सभा थी, उस वक्त मत और सरकार का जो आज बोल रहे हैं कि मोदी सरकार को मत दे, जाने की ये शहीदों को मत जाएगा और जो हुआ है उसके लिए, उस वक्त मोदी सरकार कहा थे। पहली बात तो ये मैंने नहीं कहा, मोदी जी ने कहा था। उन्होंने औरंगाबाद में जो पब्लिक मीटिंग थी उसमें कहा था, जो नौजवान हैं जो लोग पहला वोट देने जा रहे हैं, जैसे हम जब पहली तनख्वाह लेके आते हैं तो अपने माँ बाप को देते हैं, इसी तरह से पहला वोट हम उन शहीदों को समर्पित करें, ये उन्होंने कहा था। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत ही महत्व का विषय है। हाँ। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो आह्वान किया है वो निश्चित ही सराहनीय आह्वान है, क्योंकि पहली बार वोट करने वाला जो युवा जवान है उसको उसकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो कैसे भी मिल जाएगा, लेकिन देश है, राष्ट्र है तो हम है,
यदि उस भावना के साथ में यदि हम युवाओं को जगाते हैं, निश्चित ही बाकी देश में राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है, लेकिन हमारा युवक जो है उसको कुछ पड़ी नहीं है। इसलिए उनमें जो है इस तरह की भावना व्यक्त करना या उनको जगाना बहुत आवश्यक है कि देश है तो हम है, राष्ट्र है तो हम है। हमारी देश की जनता ने ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा पीएम है, जो हमारा नेता है, अगर वो देश के बारे में सोच रहा है तो वो कास्ट के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि हमारे देश को कुछ चीज सबसे ज्यादा नीचे खींच रही है वो है कास्टिज्म। अगर वो बंदा देश की सिक्योरिटी में लगा है तो वो बंदा कास्टिज्म नहीं करेगा यहाँ पे, वो प्रायोरिटी देश की सिक्योरिटी को देगा। और हमें वैसे ही बंदे को वोट देना है जो देश की सिक्योरिटी के बारे में सोचे। और तीसरी बात, जो भावनाओं में मोदी जी ने ये किया, मतलब भाषणों में भावनाओं में सब वोट मांग रहे हैं, आपको किस बात का प्रूफ चाहिए? आपको इस बात का प्रूफ चाहिए कि अभिनंदन सर वहाँ पे कैद किए गए थे, कि आपको इस बात का प्रूफ चाहिए कि यहाँ पे अपने इंडिया में F-16 के पार्ट्स मिले, आपको किस बात का एग्जैक्टली प्रूफ चाहिए? मतलब यहाँ पे मोदी जी इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, उसमें कुछ लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है। प्रूफ्स बहुत है, अपनी देश की जनता ने बस भरोसा करना है अपने आर्म्ड फोर्सेस पे, दैट्स ऑल। ये बात सही है कि अभिनंदन का तो हम सबको अभिनंदन करना चाहिए, MiG-21 से F-16 मार गिराया, ये कितना शौर्य है हमारी सेना का, कितना पराक्रम है, कितनी वीरता है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पाकिस्तान के जो वजीर आजम इमरान खान, उन्होंने कुछ लोगों से बात करते हुए ये कहा कि भारत में देशभक्ति, देश हित, ये चुनाव का मुद्दा बन गया है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर कोई लोग रिएक्ट करना चाहते हैं? मेरा नाम गौरव है, मैं पुणे से आया हूँ आपका शो सुनने के लिए। सर, आपके सवाल जो है, मतलब राष्ट्र, ये जो राजकारण है या युद्ध नीति है, ये अलग अलग होना चाहिए क्या? मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें कभी अलग नहीं हो सकती। अगर राजनीति है तभी युद्ध मुमकिन है, और राजनीति के साथ ही देश आगे बढ़ सकता है। तो मोदी जी आकर अगर कुछ बोलते हैं कि मैंने ये करवाया, तो हाँ बिल्कुल करवाया, मोदी थे इसलिए वो हो पाया, उसके पहले भी वाजपेयी थे इसलिए वो हो पाया। दिल्ली में बैठ के कोई भी पंतप्रधान डिसीजन देता है इसलिए देश चल पाता है, इसलिए युद्ध हो पाता है। तो कोई भी अटैक होता है तो उसका होल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मोदी को ही जाती है और क्रेडिट भी मोदी को ही जाता है। थैंक यू। यार, बहुत अच्छे शब्दों में आपने बात कही, बड़े सधे हुए तरीके से, लेकिन इस पर अलग अलग कॉन्ट्रेरी व्यूज हैं। बहुत सारे लोगों का व्यू ये है कि इसका इस्तेमाल इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का व्यू ये है कि अमेरिका में, कनाडा में या बड़े बड़े मुल्कों में चुनाव होते हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक इशू होता है और उस पर खुलकर बहस होनी चाहिए, सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। जी, आप? मेरा नाम चेतन दमानी है, जी मुंबई से हूँ, और रेगुलर आपकी चैनल और आपकी अदालत मैंने कभी मिस नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत इतना आपका फैन हूँ। रजत जी, मेरी यही व्यू था कि इसराइल हो या US हो या बड़े बड़े UK हो, हर देश में सुरक्षा के जो क्वेश्चन है वहाँ पूरे रूलिंग पार्टी और अपोजिशन एक रहती है कि देश के सामने जो गद्दारी की उसके सामने सब एक होते। लेकिन अब हमारे पास जब इतना एयर स्ट्राइक बालाकोट का हुआ, ये स्ट्राइक होगी तभी हमारे ही लोग, जो देश के लोग सबूत मांगते हैं, कितने लोग मरे हुए वो पूछते हैं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। और ये जरूरत की जो राजनीति विरोध पक्ष कर रही है वो बिल्कुल गलत है। जब देश की सुरक्षा का सवाल आता है सबको एक होना चाहिए, और सुरक्षा के लिए, सुरक्षा का मामला सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब रेड पड़ती है किसी के पर IT की, इंटेलिजेंस की, तो बोलते हैं मोदी ने करवाया, और जब अटैक मोदी ने करवाया तो बोलते हैं वो तो एयर फोर्स ने करवाया। तो ये भी तो हमारे जो विरोध पक्ष है सर, कि क्रेडिट देने की बात आएगी तो मोदी को नहीं देंगे, और जब क्रिटिसाइज करने की बात आई तो मोदी को देंगे। तो ये गलत राजनीति है, लेकिन हम सब जनता है ये सब जानते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता की राय सबसे महत्वपूर्ण होती है, और एक सवाल नया आपने उठाया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या एयर स्ट्राइक हुई उसके सबूत मांगने चाहिए? क्या उस सबूत मांगने को हमारी सेना के शौर्य को चर्चा का विषय बनाना चाहिए? ये भी बात करेंगे। जी, आप कहिए। सर, मेरा नाम तरनजीत कौर है, मैं जयपुर से हूँ,
और खासकर सिर्फ एक छोटी सी बात जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि राजनीति की परिभाषा को अलग अलग राजनीतिज्ञ अलग अलग तरीके से बताते हैं। कोई राजनीति के नाम पे राष्ट्रीय सुरक्षा जोड़ देते हैं, कोई राजनीति के नाम पे राष्ट्रीय एकता को जोड़ देते हैं, तो राजनीति की स्पष्ट परिभाषा कहाँ से मिलेगी और वो कौन देगा? देखिए, राजनीति की जो परिभाषा है वो जनता तय कर देगी। इस बार जब चुनाव होगा तो पता चल जाएगा किसकी बात सही है किसकी बात गलत है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी मालिक है। आपकी आवाज में एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे मुंबई की जनता की बात ऐसे सवालों पर जो आज देश के लोगों में चुनाव के मौके पर बार बार। फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मुंबई की जनता से, सुन रहे हैं जनता की बात और आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं देश की जनता। सर, पूरे पुलवामा हमले पे जो सबसे बड़ा मजाक था वो था इमरान खान सर। कहते हैं कि हमारा सोल्जर वापस भेजेंगे तो शांति का सबसे बड़ा स्टेप लिया जाएगा। सर, इससे बड़ा मजाक और क्या किया जा सकता है, जबकि जिनेवा कन्वेंशन के तहत हमारा सोल्जर सही सलामत बिना किसी चीज़ के घर वापस आना चाहिए था। तब भी पाकिस्तानी मीडिया और इमरान खान ने इस बात को मेक श्योर किया कि पूरे विश्व में ये बात फैलाई जाए कि पाकिस्तान की तरफ से पहला कदम शांति की तरफ लिया जा रहा है और हिंदुस्तान अभी भी लड़ाई के लिए अटल है। एक सवाल यहाँ से उठाया उन्होंने, अच्छा सवाल उठाया कि इमरान खान ने कहा कि वो शांति के दूत हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई कोशिश की गई शांति की, कोई उनके तरफ से कोई पहल की गई और भारत को क्या करना चाहिए था पाकिस्तान के साथ? क्या जो प्रधानमंत्री ने किया, जो देश की सेना ने किया वो सही था? जी, इस मुंबई शहर ने दो बॉम्ब ब्लास्ट पूरी ट्रेन की सीरीज में देखे है, मुंबई में आतंकवादी हमला देखा है। उस वक्त अगर अलग गवर्नमेंट थी उनको भी एक चांस था कि आप भी जवाब दे सकते थे, लेकिन आपने जवाब दिया नहीं, लेकिन आप चुप बैठे थे। अगर मोदी जी आगे आके उरी में हमला होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है, उसके ऊपर आप सवाल उठाते हो। अभी पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद हमने एयर स्ट्राइक की, उसके बारे में भी आप गलत सलत बोल देते हो। आपको तभी चांस था, आपने किया नहीं, मोदी जी कर रहे। तो मेरे हिसाब से राष्ट्रहित ये सबसे पहले होना चाहिए। और इसके बारे में जो आपने कहा कि कल मोदी जी ने ये राजनीति का विषय होना चाहिए, क्या जरूर होना चाहिए, जिसने किया उसको उसका क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए। ममता बनर्जी ने, कपिल सिब्बल ने, अखिलेश यादव ने, बहुत सारे अलायंस के अलग अलग तरह के लीडर्स हैं, उन सब ने ये कहा कि हमें सबूत चाहिए, जो एयर स्ट्राइक हुआ उसमें जो लोग मरे उनके शव देखना चाहते हैं जनता। तो क्या वाकई में जनता शव देखना चाहती है, क्या वाकई में जनता को सबूत चाहिए, जनता क्या कहती है इसके बारे में? वो गलत राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति करने का कोई ऐसा करना भी नहीं चाहिए। पहले देश अगर हमारा सुरक्षित है तो आप वो भी राजनीति करेंगे, अगर देश गर्दिश में जाएगा तो उनको भी राजनीति का मौका भविष्य में नहीं मिलने वाला है। उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए। और आज मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, वो देश की सुरक्षा के लिए किया है, वो बहुत सही किए हैं और इसके ऊपर राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि जनता को ये पता होना चाहिए कि अगर हम सुरक्षित हैं तो हम राजनीति करेंगे। हाँ, जी बताइए। मोदी जी खाली इमोशनल भाषण करके सबको कवर कर रहे, बाकी दूसरा काम भी कुछ ही नहीं। सर, किसानों के लिए कुछ भी किया नहीं। अभी ये मुद्रा लोन के जो बात कर रहे थे सीएम साहब, एक के खाते में भी 1500 रुपये नहीं, 5 रुपये भी डाले गए नहीं, खाली भाषणबाजी चलती। भाषणबाजी के बाद सभी लोग भाषण पे ही खुश हो जा रहे हैं। मेरा एक कहना है ये पूरे राज्य के लिए 5 साल के लिए सीएम रहते, मैं तो कहता हूँ इनको एक एक साल का ही चांस देना चाहिए, जो लोगों के लिए अन्याय नहीं हो सकता है। और 5 साल लोगों को अन्याय सहन नहीं कर सकते, इनको 5 साल नहीं देना चाहिए, चुनाव होना चाहिए तो एक एक साल में लोगों को नहीं चलता है तो पूरे लोगों से। अभी इनकी बात के लिए ताली बजानी चाहिए, पहली बार इतनी इंटरेस्टिंग बात मैं सुन रहा हूं। मैं और एक बात ऐड करना चाहूँगा, ये सब सुरक्षा वगैरह सब पे आप बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारा इंडिया इतना जल रहा है, एग्रीकल्चर स्टेटस बहुत खराब है, 33% से शेतकरियों की आत्महत्याएं बढ़ गई है। और आपकी जो सांसद है हेमा मालिनी, हेलीकॉप्टर से गेहूं कटाने के लिए जा रही है, इसमें भी कुछ चर्चा होनी चाहिए ना, होनी चाहिए या नहीं? अब दो विषय हमारे सामने हैं, एक तो
क्या अलग अलग पार्टियों के नेताओं की एक मिलीजुली सरकार जिसका जिक्र उन्होंने किया, एक एक साल सबको प्रधानमंत्री बना दो, वो होना चाहिए, या एक पार्टी की एक सरकार जो 5 साल सरकार चलाए वो होनी चाहिए? इस पर हम लोग एक बार आपकी राय ले लेते हैं, और फिर आपने जो सवाल उठाया शेतकारी का, किसानों का, बेरोजगारी का, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं, क्या एक पार्टी की, एक व्यक्ति की सरकार 5 साल चलनी चाहिए, या फिर जो गठबंधन की सरकार है जिसमें अलग अलग नेता हैं उनकी सरकार देश के लिए बेहतर होगी, इस पर हम चर्चा करें। एक ओपिनियन मेरा है कि अगर हम लोग 5 साल देंगे एक नेता को, एक काफी नहीं है कुछ चेंज बदलाव लाने के लिए। अगर हमारा घर गंदा है सालों के लिए, उसको 1 घंटा या 1 दिन में साफ नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। सो यू हैव टू गिव देम टाइम। ये क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं ना, उन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते गवर्नेंस में। तो ये लोग जो बात करते हैं इधर सिर्फ घर पे बैठ के, टीवी देख के, व्हाट्सएप देख के बात करते हैं, जाके फील्ड में काम करो। हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ये जो मैं इतने जोश से बात कर सकती हूँ क्योंकि हमने एक स्टेप लिया है। मुझे ये नहीं पता कौन सा गवर्नमेंट, बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, मेरा एरिया, मेरा जगह स्वच्छ होना चाहिए, मेरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होना चाहिए। कौन मदद कर रहा है? हमारे लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस के बाद थोड़े एमएलए, फिर एमपी, फिर लोकसभा, फिर प्रधानमंत्री। अगर हमारा पूरा सिस्टम हम लोग कोऑपरेट करेंगे, क्वेश्चंस पूछो बेशक, विरोध करो बेशक, मगर सपोर्ट भी करो। इन लोग कभी खुश नहीं होने वाले, उन लोग को प्रूफ पे दो ना, फिर भी कम होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं, आपने इतनी अच्छी बात कही। अगर देश की जनता सरकार में पार्टिसिपेट करेगी, फैसलों में हिस्सा लेगी, हम अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, अपने घर को, गली को, मोहल्ले को साफ रखेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो ही लोकतंत्र मजबूत होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। देश की सुरक्षा की आवाज आपने आपसे सुनी, और आपकी आवाज हम पूरे देश की जनता तक पहुंचाएंगे इंडिया टीवी के जरिए। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी आवाज महागठबंधन के सवाल पर, क्या देश को एक पार्टी की सरकार चाहिए या मिलीजुली सरकार। की जनता के बीच हूं, आपकी आवाज देश की आवाज में मिलाने के लिए, आपकी बात दुनिया भर में पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी के जरिए। हम चर्चा कर रहे थे देश की सुरक्षा की, और अब बात करेंगे देश को कैसी सरकार चाहिए, महागठबंधन की या फिर एक पार्टी। सर, मेरा बात यह है कि मजबूत पार्टी होनी चाहिए, ये महा जो गठबंधन है उससे अलावा, क्योंकि पहले भी कांग्रेस थी, इसके पहले जब कांग्रेस थी उसमें भी अब बात थी कि मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन चलता तो सोनिया गांधी जी का ही था। अब इसमें तो रहता है कि चलो नरेंद्र मोदी का रहेगा, नरेंद्र मोदी की बात रखेगी, चली जाएगी। अब इसमें और महागठबंधन में तो और भी लोग अब शामिल हो गए, तो अब किस, कौन किसका चलाएगा, कौन किसकी बात मानेगा, सबसे पहला प्रश्न ही उस पर उठ जाता है। क्या आप इस बात से सहमत है कि हमारे देश की नेता हर अपने जो भी कैंपेनिंग में जाती है बस एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए जाती है, और इसके वजह से यूथ में कितना बुरा असर पड़ता होगा? जैसे राहुल गांधी जी हमेशा भाषण में बोलते कि हमारे पीएम मोदी जी चोर है, क्या इसमें यूथ में असर नहीं पड़ता? आप देखिए, इन्होंने एक नया सवाल खड़ा कर दिया, क्या चुनाव के कैंपेन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, प्रधानमंत्री को चोर कहना, क्योंकि प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री, किसी एक पार्टी के, किसी व्यक्ति के नहीं है। इस समय जिस तरह की रजत जी राजनीति हमारे देश में चल रही है, मैंने पिछले कई सालों के चुनावों में इस तरह से बयानबाजी और लफाजी में जो राजनीतिक दलों का स्तर गिर गया है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा नहीं देखा होगा। और रह गई गठबंधन की सरकार, तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मायावती और मुलायम के गठबंधन को ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री देख लिया है, 1 साल की जरूरत नहीं है अब देखने की। दूसरे की टांग खींचना, विदेशों में बुराई करना, ये हमारी संस्कृति नहीं है, और राजनीतिक स्तर सबसे ज्यादा निम्न हो गया है। हमने आपकी बात सुनी महागठबंधन को लेकर, एक पार्टी की सरकार को लेकर, मजबूत सरकार को लेकर या मजबूत सरकार को लेकर के। हम एक ब्रेक रुकेंगे, और ब्रेक के बाद एक बड़ा अहम सवाल, राहुल गांधी का वायदा 72,000 जनता को मिलेंगे, गरीब लोगों को मिलेंगे, क्या इससे होगा बेड़ा पार,
इस पर बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं मुंबई की जनता से, सुन रहे हैं जनता की बात और आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं देश की जनता। देखिए आप, ये ज्यादातर लोग तो ये राय है कि अलायंस की सरकार नहीं होनी चाहिए। अब एक नए सवाल पर आता हूं, इस पर आपकी राय बड़ी जरूरी है और ये सवाल राहुल गांधी अपनी पब्लिक मीटिंग्स में आजकल बार बार उठाते हैं। वो कहते हैं कि उनकी अगर सरकार बनी तो गरीब लोगों को 6,000 रुपए महीना, 72,000 रुपए साल की दी जाएंगे और उन्हें लगता है कि इससे जो देश के गरीब हैं उनका उत्थान हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। इस पर लोगों की क्या राय है ये आप बताइए। ये कंपटीशन चल रहा है क्या? कभी मोदी सरकार बोलती है 15 लाख रुपए हर इंसान के खाते में आएंगे, कभी राहुल जी बोल रहे हैं कि 6,000 रुपए हर इंसान के खाते में आएंगे। अब जनता तो इतनी बेवकूफ नहीं है ना, जनता समझदार है। बड़ी अच्छी आपने बात कही कि जनता मूर्ख नहीं है, लोग चाहे जनता को कुछ भी समझे लेकिन जनता बहुत समझदार है। क्या 6,000 एट दिस पॉइंट इज नथिंग फॉर एनीबॉडी एंड वी आर द यूथ, वी वांट Employment, not a charity. पैसा देने से कुछ नहीं होता, रोजगार के अवसर क्रिएट करने चाहिए ताकि देश का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ये डोल बांटने से हमारे देश में कुछ नहीं होगा। मुझे ये कहना है कि राहुल गांधी ने कौन सा ऐसा बड़ा विचार खड़ा कर दिया जिसकी वजह से किसानों को कोई प्रोज हो रहा है? जैसे कि राहुल गांधी का जो ये आइडिया है कि 6,000 और 72,000 सालाना हर किसान को मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि एक राहुल गांधी का ये नया आइडिया है। ये राहुल गांधी की माँ का भी आइडिया था, ये उनकी दादी का भी आइडिया था, ये उनके पिताजी का आइडिया था। सर मेरा मानना ये है कि इस स्कीम से किसी ना किसी का गरीबी हटा हो या ना हो, गांधी परिवार का गरीबी जरूर हट चुका है सर। थैंक यू। हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए है, हम लोग एम्प्लॉयमेंट गेन करने की बात करें बट एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन भी नहीं हो रहा है हमारी कंट्री में। जो हमारे कंट्री का यूथ है वो अपॉर्चुनिटीज के लिए, ज़्यादा पैसे के लिए बाहर जा रहे हैं। जो टैलेंट है हमारे कंट्री का वो भी कंट्री में नहीं रह पा रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पहले इम्पॉर्टेंट है। फ्री में 6,000 हो चाहे 1,000 हो, किसी को नहीं मिलना चाहिए, सबको मेहनत करना ज़रूरी है। दूसरी बात होती है, गरीबों को पैसे देने से अच्छा है उनके बच्चों के एजुकेशन में लगाइए। आज भी ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जो जहाँ पे मिड डे मील्स वगैरह मिलते हैं बट वहाँ पे एक्चुअली में टीचर्स नहीं होते, वहाँ का एजुकेशन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, वहाँ के टीचर्स को ही कुछ नहीं आता है। तो क्या हमें सही में फ्री में बांटना है पैसा कि हमें एजुकेशन में, फ्यूचर में, यूथ में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोचने के लिए। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, एजुकेशन पर इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर बेहतर शिक्षा होगी तो बेहतर रोजगार होगा, लोग काम कर सकेंगे, देश तभी बड़ा बन सकता है। सर यहाँ पे सब कह रहे हैं कि 72,000 से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, जो शायद एजुकेटेड भी नहीं है, जो शायद स्किल्ड भी नहीं है, वो मे बी डेली वेजेस वर्कर्स में आते हैं। वॉट आई वॉन्ट द गवर्नमेंट टू डू इज, जो विजन उन्होंने रखा है कि पॉवर्टी हटानी है, तो 72,000 देके पॉवर्टी हट जाएगी क्या? अगर मैं उसको 6,000 दूंगी वो किसी ना किसी दिन तो खत्म होगा ही, उसके बाद क्या? क्या जब 30वें दिन के बाद 31वें दिन जब वो पैसे खत्म हो जाएंगे मैं फिर से आऊंगी आपसे पैसे मांगने? अगर पैसा दे के ही इकोनॉमी आगे बढ़ानी है तो कब तक देंगे पैसा और किस किस को देंगे पैसा? उनको एक स्टेज पे तो उस पैसा देने के अलावा और कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, और कुछ सोचना पड़ेगा, और कुछ वो बिलो 20% पीपल के लिए सोचना पड़ेगा जो स्किल्ड नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, जहां लिटरेसी नहीं है। देखिए मैं ये कह सकता हूं कि जो यहां पर नौजवान हैं, मुझे गर्व है इन पर, हमारे देश के नौजवान किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते, वो काम करके अपनी जिंदगी करना चाहते हैं। ये सम्मान, आत्मसम्मान, प्राइड हमारे नौजवान में हो, यही देश को बड़ा बनाएगा। अब मुझे लगता है इस विषय पर काफ़ी चर्चा हो गई, सबके हमने राय ली है। अब एक अलग विषय है जिसकी चर्चा इन्होंने की थी, किसानों की। क्या किसानों के कर्ज माफ़ करने चाहिए? राहुल गांधी ने जो कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ़ नहीं किए, ये उन्होंने कोई गलती की है? किसानों को लेकर के जो आपके मन में सवाल है उसको एक एक करके हम लोग चर्चा करें। पहले तो बात यह है कि हम यही करते बैठेंगे क्या? पहले किसानों को कर्जा दो, उनका कर्जा माफ़ कर दो, और कर्जा दो, और कर्जा माफ़ कर दो, 6,000 रुपये मासिक देते बैठो। अरे गरीब है माना, बट गरीब काम भी तो कर सकता है ना, उसको सिर्फ बेफोकट पैसा ही देते रहोगे। पहले ही देश इकोनॉमिकली इतना पिछड़ा हुआ है, उसको और तुम बांटते रहोगे, इंडिया और कितना पीछे हो जाएगा। सर उससे अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो, ये मुद्दे पर लड़ो ना। तो मेरे हिसाब से सर
डिपेंडेंसी किसानों की गवर्नमेंट पे इस तरह से नहीं होना चाहिए कर्जे माफ़ हो, बल्कि वो लोग सेल्फ एस्टीम हो उनका और वो खुद मतलब मेहनत करके कमाएं और उससे अपने परिवार का खर्चा चलाएं और देश की तरक्की में साथ दें। मुझे ये बात पूछने वो मैडम बोल रही थी कि न्यूज़पेपर में देख के या टीवी पे देख के हम बोलते हैं कि किसानों को कुछ नहीं मिला, पर लेकिन मुझे उनसे ये पूछना है कि एक्चुअल में किसानों को उन्होंने पैसे दिए लेकिन एक्चुअल में किसानों तक कितने आए। और वो भी बोल रहे थे कि अनपढ़ है, अगर किसानों ने अनाज पैदा नहीं किया तो आप खाओगे क्या? पहले किसानों को अनपढ़ बोलना बंद कर दो। सर, किसान सबको खिलाता है और उसका क्या कर्ज माफ करेंगे आप? वैसे किसान का कर्ज माफ मत करो, लेकिन उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है, किससे तो वो बेचता है तब उसका उतना प्राइस मिलती है, उसको उतनी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, इसलिए उसको उसमें प्रॉफिट नहीं रहता सर कुछ। आपका कहना है कि अगर किसान को उसकी फसल का सही मूल्य मिल जाए तो फिर कर्जा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक नए विषय की तरफ हम लोग चलते हैं। मैं बहुत सारे नौजवान यहां पर हैं, नौजवानों की क्या समस्याएं हैं, नौजवान क्या कहना चाहते हैं देश की जनता से, किसको देश की जनता चुने, नौजवान के सामने क्या समस्या है, इसकी चर्चा करेंगे। जो लोग पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, जो लोग और बड़ी संख्या में इस बार पहली बार लोग वोट डालने जाएंगे, उनकी राय सुनेंगे। जी माय नेम इज खुशी। आपने बोला था कि आज की यूथ का वोट के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ। तो जहाँ से मैं पर्सपेक्टिव देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरा पहला वोट रहेगा, मैं अभी 19 हुई हूँ, तो मोदी सरकार की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, जो मेरे को पहला नॉलेज मिला है, तो वो उसने पॉलिसी अपनाई है कि जो दिखेगा वो बिकेगा। मोदी सरकार ने किया जो किया, जो अच्छा हुआ वो दिखा दिया, जो नहीं हुआ वो छुपा दिया। जी ये देखिए आवाज है जो पहली बार वोट करने जा रही है, ये ऐसे और कौन लोग हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उनकी बात हम सुने। सर मेरी सरकार किसी की भी है सर, मेरे हिसाब से देश की डेवलपमेंट के लिए आबादी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर, तो मेरे हिसाब से देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए कोई भी सरकार को कोई कानून लाना चाहिए सर। आई वॉन्ट अ लॉ फॉर अ पॉपुलेशन कंट्रोल इन दिस टाइम इन द इलेक्शन सर। आप कह रहे हैं कानून लाना चाहिए। एक बार 1975 में संजय गांधी ने जबरदस्ती नसबंदी करवाई थी तो उनकी सरकार चली गई थी सर, वो गैर कानूनी थी सर। हमने सब कुछ आधार कार्ड से कनेक्ट कर दिया है, स्कॉलरशिप से लेकर सिम कार्ड तक। क्या हम ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम नहीं ला सकते? क्या गवर्नमेंट इस बारे में कुछ वर्क नहीं कर सकती है क्या? जी इफ वी कैन गिव 60 इयर्स टू कांग्रेस गवर्नमेंट, व्हाई कांट वी इवन, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट, सारा काम हम 5 साल में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार? वी नीड अ लॉट, एटलीस्ट हम वो ट्राई, उनका ट्राई दिख रहा है हमें। आप सबकी बातें सुनने के बाद में मुझे एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। पीर पर्वत सी भई है अब पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत सी भई है अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू।